देवा, उठो देवा। तुमने भाई को फोन किया क्या? अरे यार तुम भी, कार का साइड विंडो जैम हो गया है। उनको कॉल करने से पहले उन्हें ठीक करना होगा। भास्कर को बोलो उसे ठीक करेगा प्लीज। भास्कर कैरब, कैरब भास्कर जाओ ना। क्या है? ओके ओके, देवा ने कहा तुम्हें उठाने। क्या? कार का विंडो जैम हो गया है, उसे रिपेयर करने को कहा है। ये कैसे हो सकता है? हे, उठ रे। अरे बाप रे, फाउंटेन भी नहीं उठा सकता ऐसे। देवा, भास्कर
बाकी के डोर भी चेक करो। हाँ बस देवा हंड्रेड, पूरे 10 करोड़ है देवा। बाबू तुम जाके न्यूज़पेपर लेके आओ। हाँ भास्कर तुम ये पूरा कैश लॉकर में डाल दो। टीवी चालू करो। हाँ मैं चलाता हूँ, मैं चलाता हूँ। यूरोपियन कंट्री में भी आतंकियों की दहशत से लोग बहुत परेशान हैं। मलाई पेरी शॉप ने अपना वर्किंग आवर्स कम कर दिया है और अमीर लोग भी जा सकते हैं अलग अलग जगह से। जून के पहले हफ्ते से मुल्लिया पेरिया का डैम का काम शुरू हो जाएगा, ऐसी खबर आ रही है। एमडी एमके की मीटिंग चेन्नई में होने वाली है। चलो कोई न्यूज नहीं अपने लिए। ए, इतने सारे न्यूज पेपर क्यों लिया है? वो क्या है ना बॉस, हमें तो अभी तक पता नहीं है कि कार का ऑनर रेड्डी है या शेट्टी है, इसीलिए मैं सारे न्यूज पेपर ले आया। समझदार हो, पर इन सबको पढ़ने के लिए 1 महीना लग जाएगा। भाई ये देखो, एक पॉपुलर तमिल हीरोइन ने एक मोबाइल कंपनी के ओनर से शादी कर ली। बॉस उस हीरोइन का नाम क्या है? क्यों तुम्हें उससे शादी करनी है क्या? ये देखो एमपी मर्डर केस के लिए नया कमिश्नर अपॉइंट हुआ, एमपी भी सेफ नहीं है तो कार कहां से सेफ रहेगी। ए, क्या तुम लोग भी बेकार की न्यूज पढ़ रहे हो, सिर्फ कार की चोरी के बारे में देखना। कोई न्यूज नहीं है देवा, नो प्रॉब्लम। अगर पुलिस के पास कंप्लेंट हुई होती तो टीवी या न्यूज़पेपर में जरूर आया होता। इसका मतलब है कि उसने कंप्लेंट नहीं किया है। भाई ने बिल्कुल ठीक कहा था, जो कार में पैसे थे वो पक्का ब्लैक मनी था। जैसे वैसे ही छोड़ देते हैं। नहीं हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, उनकी चाल क्या है पहले हमें ये पता लगाना होगा, तभी हम लोग चैन से जी पाएंगे। करेक्ट करेक्ट। ए, चल निकल, निकल यहाँ से। मेरी बात तो सुनो। अरे जा रहा है, निकल ना। अरे यार वहाँ देखो, ईमानदारी से नौकरी भी नहीं करने देते। देवा यही है वो वॉचमैन। भास्कर तुम उस वॉचमैन को फॉलो करो और जो भी जानकारी मिले मुझे फोन पे बताओ। कीप योर फोन ऑन। जैसे जाहिल लोग हैं, मेरी शर्ट तक फाड़ दी उन्होंने। ईमानदारी से काम करने का जमाना ही नहीं है यार, क्या दिन आ गए। ए सेठ एक चाय देना भाई जल्दी। भास्कर तुम उससे कुछ भी मत बोलो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। ओके देवा। अरे करूंगा, समझ नहीं आता। अरे भाई क्या हुआ? तू आपकी शर्ट कितने फाड़ी भाई, ये क्या हुआ आपके साथ? यार तू सिर्फ चाय पिला जल्दी से, ये सब रहने दे यार, जो होगा देखा जाएगा। अरे भाई आप क्यों नाराज होते हो? अरे भाई किसने हाथ उठाया है, किसने मारा है भाई को बताओ मुझे, तुम खाली मुझे नाम बताओ। अरे तू क्यों गरम तेल की तरफ चल रहा है, तेरे सेठ ने देख लिया तो वो आ जाएगा ना। ये बता तू मेरे बारे में जानना चाहता है या फिर जो मेरे साथ हुआ वो जानना चाहता है, सीधी बात करना। दोनों भी, दोनों जानना है तुझे। अरे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले बोलो आपके साथ क्या हुआ है। अरे यार एक चाय वाले से बात करने की वजह से आज मैं इस तरह रास्ते पे आ गया। मैंने सिर्फ पूछा कि आपके साथ क्या हुआ और आपने सबका जिम्मेदार मुझे ठहराया। अरे तेरी बात नहीं कर रहा, कल रात को एक चाय वाला आया था, चाय पीने के चक्कर में वहाँ कुछ लोगों ने मेरे बॉस की गाड़ी उड़ा ली। बाप रे, तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं गए? अरे वही तो मैंने उनसे कहा था, पर उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं यार, मुझे गालियां दी और ऐसी हालत करके बाहर निकाल दिया। तुम वापस आ जाओ और अपने साथ वॉचमैन को भी ले जाओ। अरे छोड़ना अब यार। हाँ, ओके। अरे एक मिनट सुनना, ये चेहरा तो कुछ जाना पहचान। अरे भाई मैंने तुम्हें, आपने जो भी बताया मैंने सुन लिया, आपको काम चाहिए ना? हाँ काम तो चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अगर कोई काम मिलेगा तो करोगे? झूठ बोलना, चोरी करना और लूटपाट करना, इसके अलावा जो भी है वो सब करूंगा मैं। देवा तुमने सुना, हमारी कंपनी में ड्राइवर का काम है, करोगे? कार ड्राइवर का नहीं शेफ। गुस्सा क्यों हो रहे हो यार? नहीं भाई गुस्सा नहीं हूँ, ड्राइवर का काम है, करोगे क्या? उसे जॉब पर रखने की क्या जरूरत है देवा? उसने अपनी जॉब खोई है हमारी वजह से और आगे काम मिलना भी मुश्किल है और ये सब हो रहा है हमारी वजह से। हमारी गलती है तो हम ही सुधारेंगे। एक मिनट। हाँ भाई बोलिए। देवा कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं भाई काम तो हो गया, पर आपने कहा था कि रिस्क नहीं होगा, पर उन लोगों ने तुम्हें चेस किया। मैंने कहा था पुलिस नहीं आएगी, वो तो सिक्योरिटी के लोग थे। देखो जितना रिस्क लोगे उतनी अच्छी जिंदगी जियोगे। करेक्ट भाई। कार को शेड में ही रहने दो, मेरे लोग आएंगे उसे लेने के लिए। मैं दूसरी कार के डिटेल्स मैसेज करता हूँ, उसे भी चोरी करके शेड में छोड़ दो। ठीक है भाई।
सुनो ये हमारे बॉस हैं, नमस्ते करो। देवा इसका नाम मरी है। हाँ आ जाओ। मनी ये जन्नी है, सर की पीए, और ये है बाबू, हम दोनों सर के असिस्टेंट हैं। आपकी मूछें बड़ी अच्छी है। क्या बोलते हो बॉस, आज भाई के साथ एक पार्टी हो जाए? क्या कहा, काम शुरू करने से पहले ही पार्टी? पहले मनी के कपड़े बदलवा दो। मुझे हमेशा सही रास्ते पर चलने की भाई, सलाह देना। ये क्या कर रहे हो तुम, खाना खाने से पहले पूजा करते हो क्या? नहीं नहीं, आज पहली बार ही की है मैंने। हमेशा अच्छा बॉस मिले बस यही प्रार्थना की है मैंने। अच्छी आदत है। खाते समय ऐसा नहीं करते। हाँ वेट वेट वेट। रुको भाई मैं पहुंच देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं खुद ही पहुंच लूंगा। बॉस आप ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो मनी। मैं बहुत अच्छा हूँ? जैसे तुम खा रहे थे उसे देखकर कोई भी तुम्हें पसंद करेगा। क्या बोल रहे हो यार, आज तक मेरी माँ ने भी इतने प्यार से मुझे नहीं खिलाया। आप मुझे बुला रहे हो क्या? कितने दिनों से तुम दोनों मेरे साथ थे, लेकिन आज से मनी मेरे साथ रहेगा। आओ मनी चलते हैं। कोई कंपनी है, ये तो पुराना गैराज सा लग रहा है। बस उम्मीद करो ये इल्लीगल ना हो। ये क्या है बॉस, आपने न्यूज़पेपर से कार को टेक दिया है? ए, ये तुम लोगों से पूछ रहा है, जवाब दो। अरे भाई को पेपर पढ़ने का बहुत शौक है, हाथ में पकड़ना ना पड़े इसे गाड़ी पर पेस्ट कर दिया। हाँ हाँ, इसीलिए रखा है कि वो पढ़ सके। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मुझे यही गाड़ी चलानी होगी? नहीं भाई, बॉस ने तय किया है कि उनको एक नई गाड़ी लेनी है। ओ, मतलब मुझे ये न्यूज़पेपर वाली गाड़ी नहीं चलानी पड़ेगी ना? बिल्कुल नहीं। तो साइड मिरर को भी कवर कर दिया पेपर से। भाई करेक्ट। या सो द एड्रेस वुड बी कैफे कॉफी डे। कॉफी नहीं, मुझे कार चाहिए। कॉफी हमारे लिए, कार तुम्हारे लिए। चलाऊंगा। ओके थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बॉस हमें अगला काम शुरू करने से पहले पिछला काम निपटा लेना चाहिए। बाबू अगर हमें अपना नाम इतिहास में लिखवाना है ना, तो काम करते रहना पड़ेगा, उसके लिए भागना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। अरे मुझे ऐसी जगहों पे मत बुलाया करो भाई। मनी जल्दी चलो, कार आने वाली है। नहीं बस मैं नहीं आऊंगा। पर क्यों भाई? बस मैं नहीं आ सकता, ये होटल है, यहाँ चाय कॉफी सब मिलता है, चलो पीते हैं। हाँ लेकिन इतना जरूरी काम है और उसके बीच में चाय पीना ये अच्छी बात नहीं, पहले काम करूंगा फिर चाय पीऊंगा। तो फिर तुम तीनों यहीं रहो, चलो जल्दी चलते हैं। आप जाइए बॉस आप जाइए। तुम इतने डरे हुए क्यों, वो तो सिर्फ चाय है। वेलकम सर, ऑर्डर प्लीज। एक चाय। ओके आपको सर। एक कॉफी प्लीज। तुम्हें चलना चाहिए था। अरे भाई चलो ना। बेंस चलानी आती है ना? अरे भाई मुझे लॉरी भी चलानी आती है और मिनी लॉरी भी। अरे भाई वो अलग है, बेंस कार अलग है भाई। हाँ पर सारे गियर्स तो एक ही जैसे होते हैं। लाइसेंस तो है ना? हाँ है ना भाई बिल्कुल। तुमने चेक किया ना? हाँ चेक किया भाई चेक किया। देखो यही वो कार है जो तुम्हें चलानी है। ये वाली चलानी है? हाँ यही वो गाड़ी है। अरे वाह। डोंट टच डोंट टच दिस कार, ओनली फॉर टेस्ट। अरे जल्दबाजी मत करो। ओके हेलो। हाँ हेलो मैडम, मैं पहुंच गया हूँ, होटल के सामने ही खड़ा हूँ। या आई एम कमिंग। हाँ यू कम कम, आई एम वेटिंग। क्या बात है भाई। हाय। 10 मिनट के बाद ये कार आपकी हो जाएगी। यू जननी मैडम? या हाय आई एम शिवा। हाय गुड नेम। आप 16 साल के हैं क्या? hey, 16 की तो आप लग रही हैं ब्यूटी क्वीन। आई एम 36 इयर्स ओल्ड। एनीवेज यू आई एम दिस इज डिस्टरबेंस। ए कॉमेडी है ना? ए hey, बिना कॉमेडी के क्यों हंस रहे हो? मैडम प्लीज टेक दिस की। मैडम आई एंड यू टेस्ट ड्राइविंग, दिस गाय इज रिमोट। डोंट वरी। ओके ओके थैंक यू बॉस। थैंक यू हां मैडम, हम लोग नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। ओके शिवा क्या तुम कार अच्छे से चला लेते हो?
मैडम सिर्फ कार ही नहीं, मैं सब कुछ में माहिर हूँ। ओह रियली? अल्टीमेट सर, अजीत जी को भी मैंने ही कार सिखाई है। ओह वाओ, यस, सच में? आप मेरे साथ एक राउंड पर चलिए, आपको मजा आएगा रियली। भास्कर, जन्नी को मैसेज कर दो वहाँ से निकलने के लिए। आओ। मैडम आपके साथ क्यों नहीं आई बॉस? कार का पेमेंट सेटल कर रही है मनी। ओके ओके, कॉफी पीने के पैसे नहीं है, कार की पेमेंट करेंगी। बॉस क्यों ना हम मंदिर जाके पहले कार की पूजा करवा लें? दुनिया के तुम पहले आदमी होगे जो चोरी की कार का पूजा करवाओगे। क्या हुआ बॉस, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं, तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो। हाँ। Excuse me, restroom जाकर आती हूँ। Okay, proceed. Any help? Naughty. नई कार के साथ एक एक सेल्फी हो जाए बॉस। अब सेल्फी भी चाहिए? हाँ सर, बोलिए सर। तुम कहाँ हो? मैं क्लाइंट के साथ ही हूँ। कब तक आओगे? एक घंटे में पहुंचता हूं सर। ठीक है, जल्दी आना। उन्हें भी अपने साथ लेकर आता हूं। पेमेंट? चेक देंगे या कैश, अभी तक बताया नहीं है सर। ओके सर, ओके सर, आता हूं सर। अब पूजा भी करवा दी है, मैं कार में स्क्रैच तक नहीं पड़ने दूंगा बॉस। अरे मनी, मनी रुको, अभी तो कार निकाली थी। मनी क्या कर रहे हो, छोड़ दो उसे। एक मिनट बॉस, तू मेरा जॉब छीनना चाहता है क्या? क्या अंधा हो गया क्या? देख के नहीं चला सकता? सर मैं तो देख के चला रहा था, आप ही रॉन्ग साइड से चले आ गए। देखा आपने कैसी जबान लड़ा रही, ये देख तेरी वजह से कार पे कितना बड़ा स्क्रैच लग गया। रहने दो मनी। मनी और चाय की जन्म जन्म की दुश्मनी है शायद। ठीक है सर, उसके लिए मैं आपको एक चाय पिलाता हूँ। चाय पिला रहा इसका, उस चाय वाले से जरूर कनेक्शन है बॉस। छोड़ मनी, मैं बता रहा हूँ, चलो चलते हैं। अभी तक नहीं आई, मैं अंदर जाकर देखूं क्या। क्या मनी, तुम उस चाय वाले के साथ झगड़ा क्यों कर रहे थे? चलो अब गाड़ी को शेड में लेके चलो। बॉस मुझ पर गुस्सा तो मत हो। नहीं यार, गुस्सा नहीं हूँ, तुम गाड़ी चलाओ। इस टक्कर की वजह से आप मुझे निकाल तो नहीं देंगे ना? तुम टेंशन मत लो मनी। हाँ? तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, है ना? हाँ, भाई। चलो अब गाड़ी चलाओ। उस पंडित ने अच्छे से कार की पूजा नहीं की बॉस। सर बिल, बिल? अरे मैडम को आ जाने दो, डीलिंग चल रही है, इतनी जल्दी बिल लेकर आ गए? बिल लेने को मैडम ने कहा है? मैडम ने कहा है? कहाँ है मैडम? मैडम गई। क्या कहा? मैडम चली गई? हाँ सर। कहाँ से चली गई, कैसे चली गई, किसने जाने दिया? मुझे नहीं पता सर। पता नहीं, आई कैसे थी? शेयर ऑटो से। शेयर ऑटो से, जिसमें तीन पीछे एक आगे बैठता है उससे? हाँ। हे भगवान। मुझे लगा था स्क्रैच ज्यादा होगा, पर ज्यादा भी नहीं है इतना। है देवा, हाँ? कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं भाई, कोई तकलीफ नहीं हुई। ये कार को चेक क्यों कर रहा है? अरे हटो यहाँ से, बीच में आ रहे हो। ये स्क्रैच कैसे आया? वो क्या है ना भाई, मणि ने रास्ते में एक साइकिल वाले को ठोक दिया। भाई मैंने उसे नहीं ठोका, उसने ठोका था अपनी कार को। बिना स्क्रैच लगाए कार नहीं चला सकते क्या? जस्ट किकिंग आउट देवा। जननी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी, साइकिल वाले की गलती थी। अच्छा देवा, ये बताओ ये कौन है? हमें एक नए आदमी की जरूरत थी तो इसे रख लिया। चाबी दो जरा। हाँ ये लीजिए, तुमसे कुछ बात करनी है, अंदर आओ। चलिए आता हूँ। आपने कार की चाबी उसी को दे दी बॉस? क्या तुम स्क्रैच लगी हुई गाड़ी चलाओगे मनी? मेरे लिए कार नहीं, तुम इम्पोर्टेंट हो। गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ मनी। इधर आओ, बैठो। ये लो, जानते हो देवा, गेम में जो पहली बार जीतता है वो शायद लक से जीतता है, लेकिन तुमने दूसरी बार भी जीत हासिल की, तो अब मैं तुम्हें एक बड़ा काम देने वाला हूँ देवा। मदुरई में एक पंडियन नाम का आदमी है जो क्लब चलाता है, उसके पास 10 कार है जो तुम्हें चुरानी है। क्या तुम लोग ये काम कर सकते हो? कर सकते भाई। अभी तक जितनी भी गाड़ी तुमने चुराई वो सब चोरी की थी, लेकिन अब जो गाड़ी चुराओगे उसका मालिक पंडियन है। पहले तुम मदुरई जाओगे और वहाँ से गाड़ी चोरी करोगे। हो जाएगा भाई, मैं सारे डिटेल्स मैसेज करता हूँ। बॉस मैं कुछ काम करूं बॉस? एक इम्पोर्टेंट काम है, तुम अभी रेस्ट कर लो, फिर बताता हूँ। अच्छा, बड़े अजीब तरीके से बोल रहे हैं। अरे ये क्या है, कैसी गाड़ी है? अरे ये 2030 है? 2030 ये तो वही सफेद कार है, सफेद। ये तो वही कार है 2030, ये तो वही कार है। आप समझ रहे हैं तो ये बात है क्या बॉस? अरे क्या हुआ भाई, तुम बॉस को परेशान मत करो, इधर आओ। और ये क्या, तुमने इतना कचरा भी कर दिया? कचरा? तुम तो वही हो ना जो उस दिन कचरा साफ कर रहे थे।
और तुमने मुझे पैक के नाम पे चाय पिलाई थी यार, तुम लोग तो मुझे उस वक्त चाय और हल्दी के कॉम्बिनेशन से चौकन्ना हो जाना चाहिए था। तुम लोगों ने मुझे उस कॉम्बिनेशन से बहुत बेवकूफ बनाया ना। क्या वो तुम ही लोग थे जिन्होंने इस कार की चोरी की थी? हमने चोरी नहीं की है, तुमने। मैंने की है चोरी? मैं तुम लोग के गैंग का आदमी नहीं हूँ। सुनो भाई, जब तुम चाय पीने आए थे ना तब भी मैंने तुम्हारा इंटरव्यू ले लिया था। और जिस वक्त तुमने हलवा खाया था ना उसी वक्त सेलेक्ट हो गए थे। और दोबारा जब हम चाय की दुकान पर मिले तभी मैंने तुम्हें काम के लिए सेलेक्ट कर लिया था। हमारी कंपनी के पहले एम्प्लॉय तुम ही तो हो भाई। हाँ भाई, हम लोग पार्टनर है भाई। मनी, क्या कहा मैंने तुमसे? रेस्ट करना ही इम्पोर्टेंट काम है, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? रेस्ट कर लूं भाई, लेकिन मुझे कोई रिस्क नहीं ले रहा, मुझे कोई उल्टा सीधा काम नहीं कर रहा। मनी, तुम हमें छोड़कर जाओगे तो हम कुछ नहीं कहेंगे, पर कार चोरी करने में तुमने भी इनकी हेल्प की है। कॉफी शॉप से कार ड्राइव करके तुम ही तो यहाँ तक लाए। क्या कहा, वो भी चोरी की गाड़ी है? चोरी की गाड़ी नहीं मनी, गाड़ी तुमने चुराई है। चाबी पर तुम्हारे ही फिंगरप्रिंट्स हैं, मेरे पास सबूत भी है मनी। ए, दिखाना इसको भाई। हाँ? उस दिन मंदिर में सेल्फी ली थी ना, पकड़े जाओगे, आइडेंटिटी है ये। यहाँ तो ग्रुप फोटो निकाली थी ना, इसमें तो सिर्फ मैं अकेला ही हूँ, ये क्या है? तुम लोगों ने मुझे इसमें भी चीट किया। बॉस, बॉस ये सब क्या हो रहा है? बॉस, तो तुम लोग पता है ना, लोग पहले नई कार खरीदते हैं, उसके बाद ड्राइवर को अपॉइंट करते हैं और फिर उसे कहते हैं कि अगर वो अच्छा चलाएगा तो उसे बाद में इस साल का बोनस भी मिलेगा। लेकिन तुम लोगों ने तो पहले ड्राइवर को रखा, फिर उसे पार्टी भी दी और उसके बाद क्या किया तुम लोगों ने, 30 मिनट में एक कार खरीद के उसे बेच भी डाली। ए, इतना कुछ गलत हो रहा था, मैं समझ क्यों नहीं पाया यार। ए, मनी। आपने मुझे कितनी बार कहा, मनी तू मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए है। लेकिन अब मुझे सब समझ में आ गया है कि तुम्हारे लिए ये मनी इम्पोर्टेंट है, ये मनी, इसके लिए तुम कुछ भी कर सकते है ना। ए, तुमको यहाँ से जाना है तो जाओ, फालतू बात क्यों कर रहे हो? हमने कार चोरी की है, किसी का मर्डर नहीं किया है। अरे मर्डर तो लोग बाग गुस्से में आके करते हैं, पर तुम लोग तो दूसरों की खुशियाँ चुराते हो। लोग मेहनत करके सब कुछ जुटाते हैं और तुम उनको लूट लेते हो। किसी की फीलिंग्स को कितना चोट पहुँचाते हो तुम लोग। ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये धोखा है, ये धोखा है, साफ धोखा है। हाँ, हमने धोखा दिया, हमने धोखा। हमारी भी कुछ खुशियाँ थी, सपने थे, इच्छाएं थी, लेकिन लोगों ने चुरा लिया हमसे, इसलिए तुम्हारे सामने हम लोग चोर बनके खड़े हैं। हम लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, वो सब कुछ था जो हमें चाहिए था। हमारी खुशियों को देख के लोगों को जलन होती थी, हम सब अपने जीवन में संतुष्ट थे। आंध्रा गवर्नमेंट के माननीय मिनिस्टर सुब्बा रेड्डी, उन्हें अपनी बेटी को बर्थडे पे गिफ्ट देना था, इसलिए उन्होंने रॉयल्स रायकर बुक किया। कार की होम डिलीवरी करने की कंडीशन रखते हुए उन्होंने पूरा पेमेंट चेक से दे दिया। लेकर जा रहे हैं देवा, क्या है ये सब? ओके, आइए सर। क्या हुआ? बैठिए सर, आपका काम हो रहा है सर।
वो लोग भी देख ही रहे हैं। तुम क्या करोगे कैसे करोगे मुझे कुछ नहीं मालूम। सर मुझको पता है सर, कार की चोरी के बारे में सुनने के बाद एमपी ने अपनी बेटी के बर्थडे पे कार नहीं दे सकने के कारण गुस्से में आकर पॉलिटिकल पावर का यूज कर पुलिस पे प्रेशर बढ़ा दिया। पुलिस ने चोरों को पकड़ने के बजाय हम लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द ये केस फिनिश हो जाए। वो लोग चोर को पकड़ने का काम छोड़कर हम लोगों से इंक्वायरी कर रहे हैं सर। हम लोगों ने बहुत समझाया फिर भी उन लोगों ने हमारी एक बात नहीं सुनी। उन लोगों ने हमें क्रिमिनल बना दिया। ये दर्द तो कुछ दिनों में कम हो जाएगा पर उन लोगों ने हमें चोर बना दिया। ये दर्द मुझे जिंदगी भर रहेगा यार। हम उस जुर्म की सजा भुगत रहे हैं। जो हमने किया ही नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बाजवाट अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? भास्कर। भास्कर तुम्हें पता है मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तुम्हारे बदन से बिहार की खुशबू आ रही है। ये लो देवा खाओ। मुझे ये नहीं खाना है। क्यों? मुझे भूख नहीं है। ये देखो सांभर के साथ कोई चपाती देता है क्या? इसी को जेल कहते हैं। क्यों बॉस तुम नहीं खाओगे? बाबू ये किसी और को दे दो, ये नहीं खाएगा। मैं किसी और को क्यों दूं? मैं खुद ही नहीं खा लूंगा। बाबू अच्छा इंसान है देवा, एक बार बात करके देखो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। हमारा टाइम खराब चल रहा है इसलिए हम जेल में हैं। पर ये तो ऐसे दिख रहा है जैसे जेल में टाइम पास करने के लिए आया है। तुम थोड़ा उसे संभल के ही रहो। तुम हर किसी पर शक करते हो। तो ये जाना सनम। नमस्ते बॉस। बाबू हाँ माचिस है क्या तुम्हारे? है ना, ये लो। हम बाबू से जेल में ही मिले। कैसे हो तुम देवा? बस चल रहा है। तुम कैसी हो चन्नी? बस चल रहा है। मैं बाहर और तुम दोनों जेल के अंदर। सिचुएशन बहुत खराब है। क्या तुम वकील से मिली? क्या बोल रहे हैं वो? बात की मैंने, उनके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है देवा। इस केस से आराम से बच सकते हैं पर हम तीनों का प्रोफाइल उन्होंने ब्लैकलिस्टेड करवा दिया है। टेंशन मत लो जन्नी, बस एक बार हम लोग बाहर निकल जाएं, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। तब तक कैसे भी मैनेज कर लो प्लीज। ये बाबू है, ये जेल में हमारी बहुत मदद करता है। ये जन्नी है हमारी फ्रेंड। नमस्ते मैडम। हाय। फिर कुछ दिनों के बाद हम लोग जेल से बाहर आ गए। इन लोगों को मुंबई में ही लेकर आया। अच्छा तो वो तुम ही हो। चलो ठीक है, तुम लोग जेल से बाहर आ गए, उसके बाद तुमने उस इंसान से अपना बदला क्यों नहीं लिया जिसकी गाड़ी चुराने के इल्जाम में तुम लोग अंदर थे? हमने गाड़ी ज्वेलर शॉप से चुराई थी पर जॉब तुमने हमारी वजह से खोई थी। जब तुम्हें उन लोगों ने धक्के मार के बाहर निकाला था ना तो हम लोग वहीं पास में ही थे। अब क्या तुम हमसे बदला ले सकते हो? वो लोग आए और गाड़ी चुरा कर चले गए। अब उन लोगों को कहां ढूंढते फिरते रहे हम लोग? शहर के हर गली में चोर होते हैं। हां वो सब तो ठीक है पर तुम लोगों ने चोरी करना क्यों शुरू कर दिया? जो लोग शराब पीने शॉप पे जाते हैं ना सिर्फ उन लोगों को ही शराबी नहीं कहते, उस जगह से गुजरने वाले लोगों को भी शराबी कहते हैं। एक बार चोर का ठप्पा तुम्हारे ऊपर लगेगा ना तो समझोगे। अब क्या समझूंगा मैं, उन लोगों ने पहले मुझे कितना मारा। बहुत मारा क्या? बहुत मारा। उन लोगों ने मेरी बहुत बुरी तरह से धुलाई की। 3 साल तक मैंने वहाँ नौकरी की फिर भी उन्होंने मेरी नाक में पंच मारा। आपने जो किया अच्छा ही किया, बहुत अच्छा किया बॉस, बहुत अच्छा किया। अब आया लाइन पे, तुम भी हमारे गैंग में शामिल हो गए।
अरे अब हम लोग छोटी मोटी कार ही क्या, बड़ी कार भी चुराएंगे, पक्का चुराएंगे। देवा उसे देखो। क्या बात है, देख बुलाओ उसे। मैं देख लूंगा। अरे मणि क्या हुआ भाई, अरे उठो उठो, अरे उठो, कार को ऐसे क्यों देख रहे हो? कार को भाई को दे दो। क्या? मैं जब भी इस कार को देखता हूँ मुझे अपने साथ हुए जुल्मों की याद आती है। ए, भाई को अपने पुराने पिटाई वाले दिन याद आ रहे हैं। अरे मैं कितना ही मार भाई, तुम्हें लगता है कार की वजह से तुम मार खाए हो? कार के जो अंदर था उसके लिए पीटे गए हो। लेकिन मुझे नहीं पता अंदर क्या था। बताओ ना, बताओ ना तुम लोग, ये कहाँ ले जा रहा है मुझे, ये क्या है ये? यार। 10 करोड़ रुपए उस गाड़ी के अंदर थे। 10 करोड़ रुपए? अब समझ में आया, अब समझ में आया मुझे। एक कार के लिए एक ईमानदार इंसान के साथ। ए, क्या क्या कर रहा तू, उठ जाना। ए, वो तेरी कार थी क्या? बोलना क्या वो तेरी कार थी? लगता है इसको चढ़ गई है। ये रास्ते पर पानी पूरी बेचा करता था, वो ईमानदार था इसलिए हमारे बॉस ने उसे सेठ बना दिया। ये सेठ ओनर नहीं है क्या? अरे ये ओनर नहीं है, असली ओनर। असली ओनर कौन है पता है? उसका नाम है पांडियन, माधुरी पांडियन। मुझे मालूम नहीं, मुझे छोड़ दो। तो गाड़ी तुम्हारी होती तो तुम क्या कहते? मालिक मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए। मेरी गाड़ी चोरी कैसे हुई? हाथ रखो नीचे। मुझे माफ कर, इसका हाथ नीचे रख, हाथ रख प्लीज, मुझे माफ कर। ऐसी तो उसके पास बहुत सारी कार है, पता है ना? तुम्हें उसकी 10 कार चुरानी होगी। बहुत सारी कार है। मैंने फैसला कर लिया, हम मदुरई जा रहे हैं, वो भी मड़ी के साथ। भाई के कहने पे नहीं, मदुरई मड़ी की वजह से जा रहे हैं, क्योंकि वो पंडित को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। हम लोग सिर्फ मड़ी पे ही भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मड़ी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ओके। भगवान जी अगर आप हमारा साथ दें तो जीत हमारी ही होगी, आप अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिए। अब तो मणि भी हमारे साथ आ गया है, अब तो हमारी जीत 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 ही होगी, है ना? पांडियन एक ऐसा बंदा जो इस शहर पर राज करता है। बड़े बड़े सेटलमेंट केस हो, लोगों को पार्टी में से गिरवा देना हो, केसेस बंद करवा देना हो, या फिर काले धन को सफेद में बदलना हो, वो सब काम अच्छी तरह से जानता है। एक ऐसा इंसान जो हर जुर्म बड़ी सफाई से करता है। इसे गाड़ियों से बहुत प्यार है, ऐसी एक भी विदेशी गाड़ी नहीं है जो इसके पास ना हो। वो गाड़ियों के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। बॉस ये पंडित अब पहले जैसा नहीं रहा, इसने अब जिम जाना शुरू कर दिया है, पर फिर भी बेचारा अपना पेट कम नहीं कर पाया। चाय पी लो, चाय गर्म है ना? गर्म नहीं होगा तो नहीं पिएगा क्या? थैंक यू। सुनो मणि, हमने तुम्हें काम दिया और तुम्हें यहाँ लेकर आए, और अब तुम हम लोगों को काम दे रहे हो क्या? क्या भाई तुम ऐसा क्यों? और नहीं तो क्या? भास्कर मुझे अपनी लॉयल्टी सिर्फ बॉस को दिखानी है। यहाँ जाने दो, तुमने ये नहीं बताया कि असली ओनर तुम्हारा सेठ नहीं पांडियन है। पांडियन के पास 10 कार हैं, ये भी तुमने हमें नहीं बताया। फिर से शुरू हो गए, और अब पांडियन से हमारी पहचान कराने में तुमने तो हमारी मदद की है। ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने धोखा नहीं दिया। अरे एक आइडिया आया। अरे मैं एक स्पाई बन जाता हूँ, सही कहा ना बॉस? स्पाई? तुम मेरे राइट हैंड हो मनी, बैठो। मनी का प्रमोशन हो गया है देवा, एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दो, क्योंकि मनी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से मनी की बात कर रहे हो?
मणि की बात करें, मणि की अब से मणि हमारे कंपनी का नया पार्टनर है। कांग्रेचुलेशंस। पार्टनरशिप की जरूरत नहीं है मुझे। अगर पार्टनर नहीं बनना है तो बॉस बन जाओ। नहीं नहीं, इतना बड़ा प्रमोशन नहीं चाहिए मुझे। हाँ। तो टीट दो ना, पार्टी 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 दे दूंगा, पर मुझे पार्टनरशिप नहीं चाहिए। तुम पार्टी दे रहे हो ना, हम लोग पार्टनर है ना, बैठ जाओ। ए, पार्टनर ने हमें धोखा दे दिया, चलो डील खत्म करते हैं। थोड़ा धीरज रखो बाबू, जब भी तुम्हें अच्छा करना हो या बुरा, एक सही टाइम का इंतजार करना चाहिए। अब हम अच्छा करने वाले हैं या बुरा करने वाले हैं? बॉस, अगर आप अपनी फोटो में से दाढ़ी निकाल दोगे तो और ज्यादा। मनी, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ हाँ, बोलो ना बॉस। जाओ और जाके सो जाओ। अच्छा ठीक है। समझ गए ना? नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्ते। हाँ रखो। ये क्या है? आपसे मिलने आया था। हाँ। भाई ने हमें भेजा। आपका ये उपहार मुझे बहुत अच्छा लगा। इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो भाई ने आपसे मिलने के लिए बोला। हाँ, अब मुद्दे पर आइए। इसमें 200 है, ये आपको देने को कहा है। 200 है? हाँ। पूरे 200 इसमें है? हाँ। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, हम इसे 2 दिन में बदल देंगे, हो जाएगा ना? Help you, sir? Yeah. I would rather. We want the membership. फिलहाल हम लोगों ने नए लोगों को membership देना बंद कर दिया है सर। Sorry, ma'am. ये है मेरा चेकबुक, ये रहे मेरे cards, this is my passport, सारे ही original documents हैं। वो क्या है ना सर, यहाँ member को किसी के refer करने से ही membership मिलता है। अगर ऐसा है तो मैं पूरा payment cash में देने को तैयार हूँ। जल्दी से membership दीजिए। No sir, it's not possible. Sir, क्या problem है? सर, मुझे इस क्लब का मेंबर बनना है और ये मुझे मना कर रही हैं। मैं यहाँ हूँ ना सर, क्लब की हर एक चीज मैं देखता हूँ। आप ऐसे अंदर रखिए। हेमा, क्लाइंट से बात करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। सर, मेरा नाम थिरू है, मैं कोयम्बटूर से हूँ। मैं यहाँ NRI हूँ बेसिकली। मैं यहाँ 30 दिनों के लिए मदुरई आया हूँ और मुझे इस क्लब का मेंबर बनना है, पर ये मना कर रही है। कोई बात नहीं सर, आप इमीडिएटली ज्वाइन कीजिए, मैं सब कुछ देख लूंगा। थैंक यू सर। आपका नाम सर? देवदूत सर। देवदूत, बहुत ही शानदार नाम है आपका। थैंक यू सर। सर, इस क्लब में पूरे 1007 मेंबर है, अभी तक किसी ने भी इतनी बड़ी अमाउंट पे नहीं की है। वो लोग मंथली फी देते हैं, वो भी लेट। वेलकम सर। थैंक यू मिस्टर देवदूत जी। उस लैंड डील में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, देख लेना। भाई बलानी आया आपसे मिलना चाहता है। कहाँ? बाहर इंतजार कर रहे हैं। क्या रे, तू मुझे धोखा दे रहा था? छोड़ूंगा नहीं तुझे। और सर, बाकी कैसे चल रहा है? देखो तुम शांत रहो। हाँ बोलो। मैं यहाँ कितनी बार आई हूँ तुमसे मिलने के लिए? तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी इंसानियत नहीं है क्या? तुम मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं देते। तुम्हारे पापा मरते समय बहुत सारा कर्जा छोड़कर चले गए, मेरे अंदर इंसानियत बाकी है, इसीलिए आज तक वो सब चुकता कर रहा हूं। देखो अभी मुझे बहुत काम है, बाद में बात करें। मैं जब भी यहाँ आती हूँ तुम मुझसे यही कहते हो, तुम्हारे जैसे इंसान को तो मार देना चाहिए। अब ये भी धमकी दे रही है? जाओ खाना खाओ और आराम करो, मैं तुम्हें बाद में फोन करूँ। जाओ। क्या भाई, आजकल ये भी बहुत बोलने लगी है, इसको भी मार दे क्या? क्यों टेंशन ले रहे हो, मार दो इसे। क्या भाई, आप इसका कुछ करते क्यों नहीं? अरे ये हमारा क्या बिगाड़ लेगी, बच्ची है ये तो। लेकिन जिस दिन मुझे लगा कि इस चींटी के पर निकलने लगे हैं, मसल दूंगा। Thank you.
ब्लाइंड। 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 कलर। कांग्रेचुलेशन, कीप इट अप, यू विन, यू वॉन, टेक ऑल योर मनी। देवदूत जी। हाँ आया। हाँ सर, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है सर। मैडम जी कहाँ हैं? फोन से बात कर रही हैं बाहर। संभाल कर सर, आप भारी नुकसान में हो। मनी सर, मनी। मैं हारता नहीं हूँ सर। नहीं हारते तो ये क्या हो रहा है? देवदूत जी, मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे पैसों का घमंड नहीं है। हारने का दर्द तब तक नहीं हो सकता जब तक आपको जीतने का विश्वास है। सर, मैं आपको पूरी तरह समझ नहीं पाया, फिर भी थोड़ा आपको समझ रहा हूँ। आपकी आंखों में मैग्नेट पावर और बातों में आपके कॉन्फिडेंस है, इससे पता चलता है आप कोई साधारण नहीं हो, बड़े इंसान हो सर। मैं भी सबकी तरह एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ। आप इतने बड़े क्लब के ऑनर हैं, आपके लिए हर क्लाइंट एक जैसा ही है, फिर भी आप इतने विनम्र हैं और ऐसे पेश आते हैं, इसलिए आप ग्रेट इंसान हैं। ठीक है सर, ये बातें ड्रिंक के साथ करते हैं, चलिए। हाँ बिल्कुल चलिए। गाइस एंजॉय। एक बात कहूँ देव सर, हाँ। आपके पास तो इतनी महंगी गाड़ियाँ हैं, कार्स क्लब के साथ मजे कर रहे हैं आप। मुझे एक सच बात बतानी है आपको, अभी तक मैं आपसे झूठ बोल रहा था। कैसी बात कर रहे हैं सर, आपके जैसा महान आदमी झूठ बोलेगा? झूठ झूठ झूठ, अभी मुझे सच बोलने दीजिए सर। आप ये क्या बोल रहे हैं सर? इस क्लब का और इस बार का मैं ओनर नहीं हूँ सर, मेरे अंकल है इस क्लब के ओनर और इस बार के ओनर। हे भगवान, बोल दीजिए कि सब झूठ है। मैं नहीं चाहता सर, मेरे इतने सारे झूठ को भगवान माफ भी करेगा या नहीं। कोई बात नहीं, इन सब बातों को आप भूल जाइए। एक बात बताइए, इतनी सारी महंगी कारें, लगता है पांडियन जी को कारों का बहुत शौक है। सिर्फ बेडफोर्सी नहीं, 407 और बॉडी व्हीकल्स, उनके पास इससे भी बड़ी गाड़ियां है सर। बड़ी गाड़ियां? हाँ। वो कैसी गाड़ियां हैं? क्या मैं उन्हें एक बार टेस्ट ड्राइव कर सकता हूँ? क्या तुम्हें देखनी है? सर ये कार मेरे अंकल की लक्की कार है, ये गाड़ी खरीदने के बाद ही मेरे अंकल ने क्लब और ये बार खरीदा है, और इसीलिए उन्होंने इस गाड़ी को छुपा कर रखा है। वो अभी भी इम्पोर्टेड डॉक्यूमेंट उसी के अंदर बैठकर साइन करते हैं। सिर्फ वही इस कार को चलाते सर, और वही इसे क्लीन भी करते हैं, वो बाकी किसी को इसे टच नहीं करते। क्या ये कार उनके लिए इतनी लगी है? मेरे अलावा वो जगह है जहाँ 10 कारें पार्क हुई हैं। जननी, तुम्हें सारे कैमरों को हैक करना होगा। वो 10 बजे पार्टी में केक काटेगा, उसके बाद वो और उसके आदमी पार्टी एंजॉय करने में बिजी हो जाएंगे।
मैं उसी बीच दसों कारों के इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स को अनलॉक कर दूंगा और जैसे ही अनलॉक होगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। तुम लोग पार्टिंग लॉक के पास आ जाना, फिर हम पार्टी में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद बाबू और भास्कर दोनों ही पांडी के आदमियों के साथ मिल जाएंगे। इस इंडिकेटर मशीन को अपने साथ ही रखना। हर एक इंसान अलग अलग एक एक कार में बैठ जाना और जब पार्टी में सभी लोग नशे में धुत हो जाएंगे उसके बाद हम अपना काम करेंगे। और मैं क्या करूँगा? तुम अपने आईपैड पे गेम खेलते रहना, ठीक है? बोलो देवा। हेलो भाई, प्लान रेडी है, आप अपने आदमी को पार्टी में भेज दीजिए। ठीक है देवा, मैं आदमी भेज दूंगा, पर संभाल कर, पंडियन बहुत खतरनाक इंसान है। वो सब मैं देख लूंगा। पिछली रात हाईवे पे एमपी की बेटी प्रिया का एक्सीडेंट हुआ था, पर एक्सीडेंट प्लेस पे कोई बॉडी न मिलने की वजह से वो जिंदा है या मर गई बताना बहुत ही मुश्किल है। जाके भूपति को बुला के लाओ। केस की छानबीन कर रही है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या किसी की सोची समझी चाल थी। इस केस की आगे की खबरें जानने के लिए आप सब हमसे जुड़े रहिए। प्रिया रेड्डी के केस में कुछ डिटेल्स पता लगी क्या? सर हम उसी काम में लगे हैं। उस कार में उसकी बॉडी नहीं मिली, कौन चला रहा था वो कार, वो लड़की जिंदा भी है या नहीं? और तुम मुझे ये बताने आयो, तुम लोग कोशिश कर रहे हो? ये एमपी की डॉक्टर का केस है, ऑफिसर सेंटर से आ रहे हैं इसके लिए। वो जब इंक्वायरी करेंगे ना तब भी तुम ऐसे ही चुपचाप खड़े रहना। अब जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एसीपी सुभाष, स्पेशल क्राइम ब्रांच। हेलो, प्लीज सिट डाउन। अच्छा सुनो, एक कॉफी लेकर आओ। ओके सर। एक मिनट। हाँ सर। कॉफी नहीं, ग्रीन टी। ओके सर। थैंक यू। प्रिया रेड्डी का केस मैं हैंडल करने वाला हूँ। आई नीड योर सपोर्ट सर। श्योर सर। ग्रीन टी सर। थैंक यू सर। एक्सीडेंट वाली प्लेस मैं देखना चाहता हूँ। कलिंग, तुम सर के साथ जाओ और जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तब तक इन्हीं के साथ okay, रहो। उन्हें जो भी हेल्प चाहिए वो हेल्प प्रोवाइड करना। ओके सर। थैंक यू सर। कलिंग, लेट्स गो। यस सर। सर, किस कार से एक्सीडेंट हुआ था? हुंडई एक्सेंट सर। कौन सी मॉडल? 2015 सर। हेडलाइट्स पुरानी थी क्या? पता नहीं सर। न्यू कार, ओल्ड ग्लास। सर बिना मेरे ऑर्डर के यहाँ से कुछ भी नहीं छोड़ा। ओके सर। ओके, तुम जाओ। कलिंग सर, एक्सीडेंट का टाइम क्या था? रात 11 से 12 के बीच सर। एक्सीडेंट रिपोर्ट? वो रेडी है सर। कहाँ है वो? कमिश्नर के ऑफिस में है सर। हरी। यस सर। कमिश्नर ऑफिस जाकर फाइल लेकर आओ। ओके सर। यहाँ कोई चेक पोस्ट है? यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। नमस्ते भाई। हाँ, क्या कर रहे हो तुम लोग, पता लगा पाए कि नहीं? अरे इतने लोग मिलकर कुछ नहीं कर पा रहे हो, क्या फायदा? फुटेज मिल गए? मिल गया सर। कम बोलो। यहाँ एक नए ऑफिसर ने ज्वाइन किया है प्रिया रेड्डी की केस की इंक्वायरी के लिए। देखो, तुम्हें जो कुछ भी पता चले तुम मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना, क्योंकि मैं तुम्हें यूं ही पैसे नहीं देता हूँ। कलिंग, किससे बातें कर रहे हो? जल्दी आओ। सर सर, आ रहा हूँ सर। थोड़ा फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड। ए रुको, उस मॉनिटर को रुको। हाँ?
कौन से कमरे में रुकी थी? सर, प्रिया से जुड़ी हर डिटेल्स कलेक्ट करो, इंक्लूडिंग सीसीटीवी फुटेज। ठीक है सर। तुम इस क्लब में कभी गए हो क्या? नहीं सर, कभी नहीं सर। इस क्लब से रिलेटेड सारे डिटेल्स लेकर। ओके सर। और कल इस क्लब के ओनर के साथ मेरी मीटिंग करवाओ। ओके सर। बोलो भाई, आपने जो फोटो भेजकर इंक्वायरी करने को कहा था वो प्रिया के केस में भी इन्वॉल्व्ड है। हमें प्रिया के रूम से आपके क्लब का विजिटिंग कार्ड मिला है, उसके लिए कल एसीपी इंक्वायरी करने आ रहे हैं। ठीक है। मणि भाई, मणि भाई। भास्कर, ये उठेगा भी नहीं। बॉस, बॉस मुझे आपसे एक बात पूछनी है। बॉस, क्या बात है मनी? आप लोगों ने इतनी बड़ी चोरी की और आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, ऐसा कैसे बॉस? क्यों मनी, तुम्हें डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है? मुझे तो कार को चुरा कर भाग जाने के बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। तुम्हारा डरना ठीक भी है मनी, क्योंकि तुम्हारे बिना तो हम लोग चोरी कर ही नहीं सकते। पर मैंने क्या किया? मैं तो आप लोगों के साथ कार लेके गया और वापस आ गया। मैं इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो गया इस केस में, बताओ ना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस गेम में नहीं हो? हाँ नहीं हूँ मैं। मैं तो अंदर गया और वहाँ सिर्फ बाहर कार में बैठ के गेम खेल रहा था, और क्या। वीडियो गेम? एक बार फिर से सोचो तो। ये सारी कार्स आउट हो गई है, आउट, सबकी सब आउट। तुम जब गेम जीतने लगे थे तो तुमने चिल्ला के आउट आउट कहा था, राइट? और उसी वक्त वो 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 सारी कारें पीछे से निकल गई। कुछ समझ में आया तुम्हें? अरे जाना, कार बीच में डिस्टर्ब करता है। ओ, पर उसका इस चोरी से क्या कनेक्शन? तुमने ही सब कुछ किया है और अब नादान बनने का नाटक कर रहे हो। क्या बोल रही हो? मैंने तो खुद को जानबूझ के इस चोरी से दूर रखा और तुमने मेरा इस्तेमाल किया, ये ठीक नहीं है। hey, भाई। अरे उस चोर को पकड़ने के लिए कहा था, क्या हुआ? हमारे आदमी लगे हैं भाई, पकड़ लेंगे उसे। hey! बुला कर लाओ उसे। हेलो। हाय बर्थडे बेबी, कैसे हो तुम? पार्टी कैसी रही तुम्हारी? ए, कौन हो तुम? तुम्हें मेरे बारे में जानना है ना? कुछ समझ में आया? तू मुझे लूट कर अगर पाताल में भी छुप गया होगा ना, तो मैं तुझे ढूंढ कर मार डालूंगा। तुझे नहीं पता कि तूने किसकी गाड़ियाँ चुराई है? जिस दिन तू मुझे मिला ना। गुस्से पे काबू रखो, तुम किस चीज के लिए ज्यादा परेशान हो रहे हो? कारों के लिए या उन डॉक्यूमेंट्स के लिए जो कारों के अंदर छुपाई गई थी? क्या हुआ? क्यों शांत क्यों हो गए? बता तुझे क्या चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 100 करोड़ दे दो कैश में, वो भी नई करेंसी। फिर तुम्हारी कार है, डॉक्यूमेंट सब रिटर्न कर दूंगा। अगर नहीं किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतनी रकम मैं तुझे नहीं दे सकता। रकम नहीं दोगे ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारे सारे काले चिट्ठे मेरे पास है। एक बात और, तुमने जिन लोगों को भेजा था ना प्रिया को मारने के लिए,
उसके भी प्रूफ मेरे पास हैं। अब तुम खुद सोच लो, पैसे दोगे या नहीं? दोगे या नहीं, डील या नो डील? ठीक है, लेकिन मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? बेबी बेबी बेबी, अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो तुमने मुझे फोन नहीं किया होता। बताओ मैं पैसे कहाँ भिजवाऊँ? सॉरी बेबी, अभी वो समय नहीं आया है। जगह तय करके मैं बताता हूँ, तुम बस पैसे अरेंज करके रखो, मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगा। भाई हम लोग जिस आदमी को ढूंढ रहे थे ना, मैंने उस कार ड्राइवर को देखा है। सच में? कहाँ देखा तुमने? भाई वो मेरे सामने ही है, उसे छोड़ना मत, मैं अभी आ रहा हूँ। चलो सब। अरे और हमें सब्जी कहाँ मिलेगी? नमस्ते सर। वो चेक पास हो गया ना? आइए ना सर, आइए आइए सर, बैठिए। आप हमारे क्लब में आए हैं, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? आपने कभी इन्हें देखा है क्या? अब हर दिन बहुत सारे लोग आते जाते हैं इस क्लब में, तो सभी को तो याद नहीं रख सकता ना सर। मैंने देखने के बारे में पूछा, इतना टेंशन क्यों? नहीं, कोई टेंशन नहीं है सर। लेकिन बात क्या है सर? दरअसल मुझे इस क्लब की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। हाँ क्यों नहीं, कल ही मैं सीसीटीवी फुटेज अपने स्टाफ के हाथ से आपके पास भिजवा दूंगा। कल भिजवा? नो प्रॉब्लम, मैं इंतजार करता हूँ, मुझे तो इसी वक्त चाहिए। सीसीटीवी फुटेज मिल गया है सर। ठीक है चलते हैं। हाय बेबी, व्हाट्सअप? हाँ ये सब क्या चल रहा है देवा? सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है। टेंशन मत बढ़ाओ। तुमने पांडियन को क्यों फोन किया? मैंने पांडियन को इसलिए फोन किया था क्योंकि क्या? तुमने पांडियन को फोन किया? पूछो भास्कर। अरे क्यों? ऑलरेडी इतनी टेंशन है और तुम्हें और टेंशन बुलाने की क्या जरूरत थी यार? सब्जियों की रेट तो बहुत ही बढ़ गई है यहाँ पर है। गांव में तो अभी बहुत सस्ती है। क्या बात है, तुम इतना घूर क्यों रहे हो? ये बताओ तुम्हें और क्या पसंद है इसमें? गेट आउट। अरे मैंने तुम्हें खाना बनाने को थोड़ी कहा, ये पूछा कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। अरे ये भास्कर, ये अच्छा ये भी चुप है, ठीक है। ये सुन रे, ओ समझ गया, तुम्हें मेरे खाने पर भरोसा नहीं है ना? तुम्हें लगता है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, मेरी काबिलियत पर शक कर रहे हो तुम लोग। मैं बना के दिखाता हूँ तुम्हें, खाने के साथ साथ उंगलियाँ भी चाटोगे तुम। तुमने 100 करोड़ डिमांड किए और प्रिया के बारे में भी उसे सब कुछ बताया। बताओ देव, तुम्हारा और प्रिया का क्या रिश्ता है? बॉस जब से तुम यहाँ आए हो बदल गए हो। हाँ देवा, तुम वो नहीं रहे जो पहले थे। मुझे लगता है तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। मेरे ऊपर शक करने के अलावा भी कोई काम है? हम लोग पंडियन के कार को क्लब से चुराने के लिए ही मदुरई आए थे, लेकिन यहाँ मैंने जो देखा वो बिल्कुल अलग था। अलग था? एक दिन जब मैं देवदूत से बात कर रहा था तब मुझे वो बात पता चली जिसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जब मैं वहां गया तो रोल्स रॉयल कार दिखी। कार चेक करने के लिए जब मैं कार के अंदर बैठा और डॉक्यूमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो मुझे पता चला कि ये वही कार है। जो कार हमसे चुराई गई थी उसी में मुझे प्रिया के बारे में पता चला। देवा नशे में था इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि मैंने डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए हैं। कौन हो सकता है देवा? जन्नी अंदर चलो, जन्नी अंदर चलो, चलो चलो। क्या हुआ खुशबू से अंदर खींचे चले आए तुम? चलो चलो थोड़ा वेट करो, अभी तैयार हो रहा खाना। अरे बोला ना थोड़ी देर वेट करो। ए, मुझे पता है वो यही कहीं होगा, ढूंढ के बाहर निकालो उसे। चलो Hey!
क्या बात है? इधर आ। नहीं। ए, इधर आ। नहीं। गर्मा गर्म खुशबूदार सांभर रेडी है। सांभर? ये क्या कर रहे हो? तुमने मेरा सारा सांभर गिरा दिया। ए, अंदर जाओ। पागल जैसी बात मत करो। जाकर तीखा सांभर बनाओ। अरे बाप रे, इतना तीखा सांभर? पागल कहीं के? ए, चलो यहाँ से निकलो। अरे भागो, चलो 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 जल्दी करो। अरे चलो। बस 10 गाड़ियां चुराने का प्लान बनाया था, उन सब गाड़ियों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? सोच सकता था शायद, पर मुझे कार और लाइफ के बीच में किसी एक को चुनना था और मैंने लाइफ को चुना। लाइफ? किसकी लाइफ? प्रिया, प्रिया। हाँ? हाँ? ये सब कैसे हुआ बॉस? क्लब में उस कार को क्लब में देखने के बाद मुझे कुछ डाउट हुआ। उस कार को पांडे ने चुराया था या उसे किसी ने बेचा था, ये बात जानने के लिए मैं प्रिया से कुछ बात करना चाहता था। क्या बात करनी है? मुझे पांडे के बारे में बात करनी है। पांडियन मेरे पापा के पास काम करता था। पापा की मौत के बाद पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई। मैं फॉरेन में पढ़ाई कर रही थी। अगर मुझे एक छोटा सा भी एविडेंस मिल गया ना, तो मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगी। इतने एविडेंस काफी होंगे क्या? मैंने पांडियन के बर्थडे के दिन ही कार चुराने का फैसला किया था। मैंने प्रिया को ट्रम्प कार्ड के जैसा इस्तेमाल करके पांडियन की टेंशन और भी बढ़ा दी। मैंने प्रिया को कहा कि वो पांडियन को पुलिस में कंप्लेन करने की धमकी दे। मैंने रोल्स रॉयस चुराने के बारे में सोचा, लेकिन देवदूत मेरे रास्ते का कांटा बन गया। अरे भाई, तुम यहाँ बाहर हो और अंदर एक बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। मैं एक जरूरी कॉल का वेट कर रहा था, इसीलिए बाहर आ गया। अच्छा, क्या बात है, इसे देख के तो लगता है कि ये बहुत गुस्से में है। अरे भाई, ये मरने वाली है। ये तुम क्या कह रहे हो देव? अरे भाई, तुम काम खत्म करके जितना जल्दी हो सके अंदर आ जाओ। हाँ मैं आता हूँ। हेलो प्रिया, कहाँ हो तुम? मैं जस्ट क्लब को क्रॉस करके हाईवे पे पहुँचने वाली हूँ। तुम ध्यान से मेरी बात को सुनो। अच्छा, तो इस सब के पीछे पांडियन है। अब किसका इंतजार कर रहे हो? अब उसे हम लोग खत्म ही कर देते हैं। हमें उसे खत्म नहीं करना, उसके साथ गेम खेलना है, वो भी वैसा गेम जैसा उसे पसंद है। लेकिन उससे पहले हमें इस जगह को जल्द से जल्द खाली करना होगा, क्योंकि यह रहना सेफ नहीं है। यार, हमारे पास पैसे है ना, तो हम किसी 5-star, 3-star या कम से कम किसी लॉज में तो रुक ही सकते थे। ये क्या मनी? ऐसी गैराज जैसी फीलिंग कहीं आती ही नहीं है। अरे आ जाओ, जम के काम करते हैं। हाँ, ऐसी जगह पे मुझसे काम नहीं हो पाएगा। तुम लोगों ने उसे अभी तक खत्म नहीं किया? अभी नहीं भाई। ए पांड्या, लगता तूने सदमे में आके ज्यादा दारू पी ली है। मैंने कितने अच्छे तरीके से तुझसे डील फाइनल की थी, लेकिन तूने अपने आदमियों को भेज के मुझे मारने की कोशिश की। अब मैं तुझे बताता हूँ कि डील कैसे करते हैं। अभी तक मैंने तुझे सिर्फ 100 करोड़ मांगे थे, लेकिन तूने जो गलती की उसकी सजा तुझे भुगतनी होगी। अब तुझे 200 करोड़ देना होगा। क्या कहा? 200 करोड़? ओए, तो गलती पे गलती कर रहा है। ए पांड्या, गलत लोगों के साथ गलती करना पड़ता है। एक तो मेरे बारे में जाने बगैर मुझसे पंगा ले रहा है। पांड्यान, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि हम लोग कौन हैं। अब मैं तुम्हें वो बताता हूँ जो तुम्हें भी नहीं पता। तुम्हें याद है ना कि चेन्नई में तुम्हारे ज्वेलर शॉप से एक कार 10 करोड़ रुपए के साथ चोरी हो गई थी? याद आया ना, हम वही चोर हैं। है, कौन है तू? एक ही बात कितनी बार दोहराएगा तू? पहले कैश रेडी कर ले। और तू मेरे बारे में जानना चाहता है ना, वक्त आने पे पता चल जाएगा। और अगर इस बार चलाकी करने की कोशिश की तो तेरा वो हाल करूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। देख, मैं तुझे 200 करोड़ दे दूंगा, लेकिन तू कायरो जैसी हरकत करना बंद कर।
हिम्मत है तो सामने आ। पांड्यन, मैं कोई कायर नहीं हूँ, मैंने सीधा वार तेरे सीने पे किया है, और जो सीने पे वार करता है वो कायर नहीं मर्द होता है। अगर तू एक मर्द है तो आमने सामने बैठकर बात कर, मैं खुशी खुशी तुझे 200 करोड़ दे दूंगा। क्या बात है पांड्यन, तू मुझे मारने के लिए बहुत उतावला हो रहा है ना। अगर नहीं आ सकता तो मान ले कि तू कायर है। तुम्हारी बेचैनी देख के मुझे अच्छा लग रहा है। ए, 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 ए। पर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, तुम्हारे जैसे मोटी चमड़ी के लोगों को जिसने लोगों का हक छीना है उसके साथ और क्या कर सकते हैं। तुम्हें कार चुराने का बहुत शौक था ना, चोर से चोरी करने का मजा ही कुछ और है। अब बचा है सिर्फ तू और तेरी रानी, तो तेरे बर्थडे के दिन मैं वो रानी भी तुझसे चुरा लूंगा। शाबाश, आजा 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 आजा, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ पांड्यान, 3 दिनों के अंदर मैं तेरे महल से तेरी क्वीन को चुरा ले जाऊंगा, और तू 200 करोड़ कैश गिन करके रेडी रखना। क्या हुआ मने? तुम 200 करोड़ चुरा सकते हो और रानी भी, पर मुझे सोते हुए कभी मत उठाना। आज तक मेरे सेठ ने मुझे कभी सोते हुए नहीं उठाया, तो तुमने ऐसी हिम्मत कैसे कर दी? क्या तुम छोटे बच्चे हो जो तुम्हें सोते हुए नहीं उठा सकता? ए, तुम्हारा पीछा करके ही वो यहाँ तक आए थे। अरे ये मुझे थोड़ी पता था, इन लोगों ने कहा कि इनको अच्छा खाना खाना है, तो मैं बाहर सब्जियां लेने गया ताकि इनको अच्छा खाना खिला सकूं। अब इनकी वजह से मैं फंस गया, इसमें मेरी क्या गलती है बताना। आई एम वेरी सॉरी भाई। सर, कम, लेट्स गो। ओके सर। भाई, मैंने जिसके बारे में बताया था, ये वही कार मैकेनिक है। हेलो मिस्टर पांडियन, हाउ आर यू? हाँ, ये पांडियन सर ही है ना? तुम कार के बारे में जानते हो? फिएट से लेके फिरारी तक सभी कार के बारे में जानता हूँ सर। व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर? क्या तुम इस कार के बारे में जानते हो? ये तो रोल्स रॉयस गोस्ट है, 2015 मॉडल, सीरीज 1। आप लोगों ने यही पूछने के लिए मुझे बुलाया था। ओके, बाय सर। बिना भाई के कहे जा रहे हो? दरवाजे को खोल कर दिखाओ। चाबी प्लीज। ए, अगर चाबी होती तो तुम्हारी क्या जरूरत थी? तो मैं स्क्रू ड्राइवर से खोलूं? अच्छा, आप लोगों बिना चाबी के खोलना है। साफ सफाई काफी हो गई, अभी ओपन तो करो। ए, चुप रहोगे? थोड़ा दूर रहोगे? क्यों, मैं नहीं देख सकता? कहाँ तक पढ़ाई की है? 5वीं पास हूँ। फिर देख सकते हो। भाई, दरवाजा ओपन हो गया। सर जी, लगता है ये बहुत समझदार वर्कर है। सर, जैसा आप चाहते थे, कार को ओपन कर दिया है। इसका सर्विस चार्ज इसके टैक्स के साथ होता है, 3750। क्लियर कर दीजिए, चला जाओ। बिना चाबी के तुमने दरवाजा खोला, क्या तुम चोर हो? सर, इंजीनियर हूँ मैं, चोर नहीं। इसके अलावा अच्छे घर से वास्ता रखता हूँ मैं। अगर तुम इस गाड़ी को चुराओगे तो 10 करोड़ दूंगा। 10 करोड़? प्रॉमिस? प्रॉमिस, मदर प्रॉमिस। कब चुरानी है मुझे? तुम ईमानदार आदमी हो ना? पैसा किसी की भी ईमानदारी को खरीद सकता है, जैसे ये पैसे के लिए आपको भी मार सकता है। ऐसे मजाक कर रहा है। तुम्हें इसे अभी चुराना होगा। ओके, आप लोग अपनी जगह घूम के आंखें बंद कर लीजिए, मैं भी चुरा लेता हूँ। जरा यहाँ। यस। आपने मुझे मारा क्यों? देखो, जैसे एक चोर चोरी करता है वैसे चुराना होगा। कोई 10 करोड़ ऐसे ही दे देगा? हाँ, आज तक मैंने चोरी नहीं की, वैसे देखता हूँ। यहाँ से सबको बाहर जाने को बोलो। अरे सर जी, 6 करोड़ के कार के लिए आप 10 करोड़ क्यों दे रहे हो सर? तुम अपना मुंह जो है, तुम लोग मुझे जाने दे रहे हो? अगर मैं भाग गया तो? ज्यादा दूर नहीं भाग के जा पाओगे। मतलब? भागने के लिए पैर ही नहीं रहेंगे। दो लोग पहले से ही बाहर वेट कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ा इंतजाम कर रखा है। ओके, ऑल द बेस्ट। ए, जा। ओके, बाय। मुझे 15 मिनट चाहिए वार्म अप करने के लिए। नाटक मत कर, निकल। ए, उसे कार के पास आने मत देना, अगर वो जाता है तो उसे पकड़ लेना, समझ गए?
है वही होगा, पकड़ो। ए! 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 किसने भेजा तुम्हें? भाई उसने मुझे दरवाजा तोड़ने के 150 रुपए दिए थे। हेलो सर, अपने आदमी को कहिए कि रास्ता छोड़ दें, मुझे अपनी कार निकालनी है। कैसा लगा? तुम तो होशियार निकले। मेरा टैलेंट कैसा लगा सर? सर एक चीज हमेशा याद रखिए, 30 बेवकूफों को अपने पास रखने से अच्छा है मेरे जैसा एक टैलेंटेड बंदा रखिए अपने पास। हे, तू बहुत ज्यादा बोल रहा है। छे, दिमाग है नहीं और बातें करते हो। मुंह बंद। छोटे सर, किसी इंसान ने चैलेंज किया है कि वो इसे ले जाएगा। एक अकेला आदमी इतने भारी कार को कैसे उठा कर ले जाएगा सर? ओ अच्छा, चोरी करके ले जाएगा। ओके ओके। छोटे, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये गाड़ी बचानी है। क्या तुम मुझे कोई आइडिया दे सकते हो? उसके लिए मैं तुम्हें 10 करोड़ दूंगा। ये क्या है सर, अभी आप मुझे गाड़ी चुराने के लिए 10 करोड़ दे रहे थे, अब गाड़ी को बचाने के लिए 10 करोड़ दे रहे हैं। आप मुझसे करवाना क्या चाहते हैं सर? ए, सर ने जितना कहा है उतना करो। तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? एक गरम चाय, बहुत थक गया हूं सर। सर कल से ये घर मेरे कंट्रोल में रहेगा, मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही होगा। अगर आप मेरी बात मानते हैं तो इस कार को बचा सकता हूं। ले लो कंट्रोल में। ओके। पर जी, अगर तुम ये काम नहीं कर पाए। नहीं किया तो? तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। इनकी स्माइल का वही मतलब है क्या? देख मेरा निशाना। ए, कौन है? मैं और पंडित सीएम के पास एक साथ काम करते थे। पंडित उसके पर्सनल बिजनेस देखता था, उसकी काफी जानकारी रखता था। सीएम को दारू पीने की बहुत बुरी आदत थी। पंडित को कार का बहुत शौक था। नमस्ते सर। सर जी, मैंने एक नई गाड़ी खरीदी है, मैं इसे लेकर सीधे आपके पास आया हूँ। कैसी है सर? कार की कीमत क्या है पंडित? अब ऑन रोड 60 लाख में पड़ी सर, अब मैंने पेमेंट कर दिया है। तुम तो पहले मेरे पास 1500 के लिए काम किया करते थे, अब ये 60 लाख की गाड़ी तुमने कहाँ से खरीदी? सर मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? पहले ही मेरे पीछे इनकम टैक्स वाले, इकोनॉमिक ऑफेंसिक विंग वाले हाथ धोकर पड़े हुए हैं। तुम मेरे पास काम करते हो, अगर तुमने 60 लाख की गाड़ी खरीद ली तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। ड्राइवर को बोलकर गाड़ी गैरेज में रखवा दो, मैं रजिस्ट्रार ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। कार में या बस में नहीं, पैदल आना, ऑफिस आने के बाद बात करूंगा। सीएम को पंडित पे शक होने लगा, वो उसके सारे काम खुद चेक करने लगा। 2 दिन के बाद तुम मुझे घर पर मिलो, उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे नाम पर हैं, वो सब लेकर आ जाना। मेरी बात सुनो, हमने वो कार पंडित के कहने पे चुराई। मैंने पुलिस को रिश्वत दी इन सारी बातों से बचने के लिए। ये सारा काम मैंने सीएम से छुप कर किया। सर ये लीजिए सर, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आया हूँ। हाँ। क्यों पांडियन, कार की वजह से तुम नाराज हो? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता है कि आप जो कुछ भी करते हैं मेरी भलाई के लिए करते हैं। सारे डॉक्यूमेंट सही है ना? बिल्कुल सही है सर।
धोखेबाज कहीं का, तू मेरी ही कार चोरी करवा कर बेचता है। अब मैं तुझे बताता हूँ। ए, सारे दरवाजे बंद कर दो। तूने मुझ पर हाथ उठाया? आओ दिलीप, सही टाइम पर आया हो तुम। वो कार इसी ने चुराई है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आया है। अरे ये क्या दिलीप, तुमने गाड़ी की डॉक्यूमेंट्स की कॉपी इसी में छोड़ दी है? अब देखो हमारे सर पर कितने टेंशन आ गए। हाँ ले जाओ इसे, इस फाइल को अच्छी तरह गाड़ी के अंदर रख दो। ए, तू भी इसके साथ? ए, ए, छोड़ो। भाई, घुसा दो उसके पेट में। ए, नहीं नहीं नहीं, जल्दबाजी नहीं, टाक से घुसाओगे और तुरंत मर जाएंगे ये। ए, छोड़ो मुझे, छोड़ो। जानते हो ना इन्हें पीने का बहुत शौक है, तो इनकी मौत दारू से होनी चाहिए ना। छोड़ो मुझे। जाते जाते मेरी बात सुनते जाओ। अगर तुम किसी जहरीले सांप को जिंदगी भर दूध पिलाते रहोगे तो एक दिन वो डस लेगा। दिलीप को अरेस्ट कर लिया है सर। ओके ओके सर, एनी इंस्ट्रक्शन सर? ये तो गया काम से। ओके सर, पांडियन भाई को कैसे भी बताना होगा इस बात को। कलिंग सर, फोन देना। सर अपना फोन दो मुझे। क्यों सर, बैलेंस नहीं है क्या? नहीं सर, है सर। है या नहीं है? है सर। है ना, तो दो मुझे, लाओ ना। वेरी गुड, ठीक है, इन सबको गाड़ी में डाल दो। ओके सर। चल चल चल। ए स्वामी, यहाँ। मैं क्यों आऊँ? बुलाया ना, इधर आओ। ठीक है, आता हूँ ना। कुल कितने लोग हैं हमारे पास? 2, 4, 6, 10। 13 लोग हैं। 13 लोग? हाँ। इस कीमती कार की हिफाजत के लिए 13 कम है, 20 और लोग चाहिए हमें। क्या 20 लोग? डू व्हाट आई से। सब लोग आ गए हैं। एक्सीलेंट। इस जगह पे चूहा, कुत्ता, बिल्ली, बकरे, इंसान कोई भी नहीं आना चाहिए। अगर उनको आना हो तो परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस जगह का बॉस मैं हूँ। बात समझ में आई कि नहीं? समझ गए? ओके? लगता है ये समझे नहीं। ए, ओके बोलो सब लोग। ओके। ये हुई ना बात। 30 लोगों में से 10 लोग गेट के बाहर, 10 लोग गेट के अंदर, 3 लोग टेरेस के ऊपर, एक एक इंसान कार के व्हील के पास, एक कार के ऊपर, एक कार के नीचे। कुल कितने आदमी हुए बताओ? 37 लोग। बहुत बड़े बेवकूफ हो तुम, कुल 29 आदमी हुए। और जो बच गया वो तुम हो, तुम मेरे साथ रहोगे। हर एक को अलर्ट रहना होगा बॉर्डर पर सैनिक की तरह। और अगर कोई रात में सो गया तो? तब तुम्हें ये काम छोड़कर चौकीदारी करनी पड़ेगी। आंखें खोलकर रखो, सोना नहीं बेवकूफ। यस गुड। ए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपनी जगह पर। सुपर आइडिया, अगर पूरे एरिया की बिजली गुल कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। अभी तक प्लान ही बना रहे हो, रात हो चुकी है। यहाँ पावर कट होता है? होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। क्या मैं जाकर शहर के लोगों से बात करूं? इतना सेंस दिखाने की जरूरत नहीं है, वो एक लंबा प्रोसेस है। उसके बदले हमें एक जनरेटर चाहिए, इंश्योर फॉर नॉन स्टॉप पावर सप्लाई। मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। चोर अंधेरे का ही फायदा उठाता है। अच्छा, उसका मतलब ये है क्या? हम सीवर लाइन से जा सकते हैं ना? हाँ। ए भाई जरा नीचे। अरे झुक ना। हाँ झुक। ट्रिपल एक्स शर्ट की साइज ठीक है? ये तो बहुत टाइट है, अपने साइज के हिसाब से सोचना। तेरी कमर नहीं है, 2-बेडरूम हॉल विद अटैच लेट बात है, ड्रेनेज में फंस जाएगा। घर के सारे ड्रेनेज बंद कर दो, बाथरूम टॉयलेट्स भी बंद कर दो। अगर हो सके तो 3 दिनों तक उसका इस्तेमाल मत करो। ओके? बदबू बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी, फिर कार को नहीं बचा सकते। डू व्हाट आई से। नसीब ही खराब है। सीसीटीवी हैक कर ले देवा। घर के अंदर और बाहर कुल कितने सीसीटीवी कैमरेज हैं? 10 कैमरा है। बहुत कम है, तो और एक इंस्टॉल करवा दो। बेवकूफ की तरह बात करोगे तो मार दूंगा। डू व्हाट आई से। गुड। अलग। हाँ हाँ, मैडम तो बाहर निकलेंगी नहीं ना, वो तो एक ही जगह बैठकर काम करती रहेंगी। अगर तुम लोग उसकी कार को टच भी करोगे तो उसे मैसेज पहुंच जाएगा।
मैडम क्या मैं उसका मोबाइल चुरा लूं? ए, क्या तू सिर्फ फोन चोरी करने जा रहे क्या? अपने बॉस को बोलो कि अपना फोन हमेशा चालू रखें, अगर हो सके तो दो एक्स्ट्रा बैटरी हमेशा अपने पास रखें। वो किस लिए? अगर कोई कार को छुएगा तो उनके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। बस इतना ही ना? बस इतना ही नहीं, मैंने कार का सारा पेट्रोल निकाल दिया है, अगर हो सके तो आसपास के पेट्रोल पंप्स आज रात के लिए बंद करवा दो। अब वो किस लिए? बिना पेट्रोल के गाड़ी स्टार्ट कैसे होगी भाई? आप सेफ्टी के लिए 10 लीटर पेट्रोल लेकर रखना। क्यों भाई, पूरा का पूरा अपने ऊपर डालने का इरादा है क्या? ये काम तुम लोग करो, मैं नहीं करूंगा ये सब। उस कार के आसपास अभी 20 से 30 लोग होंगे, अगर हमें अपने प्लान में कामयाब होना है तो हमें उसकी सोच से आगे सोचना होगा। सोचना पड़ेगा कि क्या करें। कल तक तो ये लोग सिर्फ चोरी थे, आज तो आतंकवादी बन गए। अलग अलग साइज की गन है इनके पास। अब ये लोग क्या करने वाले हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बस मुझे ऐसी दे दीजिए ना। मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। जो उसने टाइम बोला था उसमें सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। ऐसा लगता है कि वो डर गया हमसे। अरे सर, उसमें इतनी हिम्मत है क्या जो हमसे पंगा लेगा? कहाँ हो तुम सब लोग? इट्स टाइम टू अटैक। ए, अरे यही है वो लोग, पकड़ो उन्हें, पकड़ो। अरे अरे ये क्या हो रहा है? चारों ओर धुआं ही धुआं। हाँ क्या हुआ? क्या हो रहा है वहां पर? आए, चलो देखते हैं। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मैं वार सीधे सीने पे करता हूँ। अरे बाप रे।
फोन करो उसे। सर वो फोन नहीं उठा रहा है। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? दोबारा फोन कर। क्या हुआ? मुझे लगता है वो गाड़ी चला रहा है। अरे फिर से लगाओ। अरे वो फोन नहीं उठा रहा है, ये मेरी जान खा रहा है। अरे वो नहीं आने वाला है। सर जी वो आ गया। क्यों देवा, कैसे हो? सब ठीक है ना? हाँ हाँ। क्यों पांडियन, पैसे रेडी है ना? डॉक्यूमेंट्स और सारी गाड़ियां कहाँ हैं? हाँ कुछ सुनाई नहीं दिया। डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? कुछ समझ में नहीं आया। पहले तुम्हें गाड़ियां और डॉक्यूमेंट चाहिए थी और अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोल रहे हो। सोच के बोलो पांडियन। जा बोल। अरे वो डॉक्यूमेंट्स और 10 गाड़ियां तुमने चुराई थी उसके बारे में तुम्हें पूछ रहा है? अरे कुछ तो बताओ, नहीं तो वो छोड़ेगा नहीं मुझे। डॉक्यूमेंट्स गाड़ियों के अंदर है और गाड़ियां आ रही है। पहले पांडियन को बोलो कि पैसे मेरे हवाले करे। डॉक्यूमेंट कार के अंदर है। मैंने सब कुछ सुन लिया। अरे कौन है तू? तेरे मेरे बीच प्रॉब्लम क्या है? पांडियन तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं कौन हूँ और तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ? एक साल पहले हम भी यही सोच रहे थे कि आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। कम से कम तुम्हें यह तो पता है कि इसके कारण हम लोग हैं, लेकिन हम लोगों को सिर्फ 10 दिन पहले पता चला कि जिसने हमारी दुनिया बिगाड़ डाली वो तुम ही थे। हम लोग मदुरई आए थे सिर्फ तुम्हारी कार को चुराने के लिए, पर यहाँ आने के बाद पता चला हमारी जिंदगी बर्बाद करने वाला तू है। तो ये सब तुम पैसों के लिए नहीं कर रहे थे, मतलब तुम बदला ले रहे थे। हम पैसों को भूल सकते हैं पर बदला लेना नहीं भूल सकते। सही कहा ना? मार डालो सबको। बस कर, तुम लोग गाड़ी में जाओ। क्या तुम लोग यहाँ तमाशा देखने के लिए खड़े हो? जाओ खत्म करो उसे। लगता है आज तक मैं गिद्धड़ों को पाल रहा था। हम्म।
आप ठीक हो ना? अरे मुझे छोड़ो, जाओ उसे देखो। हाँ चलो, ये बाहर निकलो। तेरी तो सक्सेस। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? गाड़ी के अंदर जो बैठे उन्हें मारो। ए, उस लड़की को मारो, जाओ। भास्कर रिवर्स, गो 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 गो। इतने पैसे। ए मणि उठो, ए मणि उठो, हर बात में बेहोश हो जाते हो, देखो सारे ओरिजिनल हैं। ए अरे उठो ना, पैसे देखकर बेहोश हो रहे हो। बैनर पकड़ने वाला हाथ हथियार नहीं उठाएगा, यही सोचा था ना? पांडियन, मैंने तेरे क्वीन को तेरे आंखों के सामने चुराया। अब तू देख तेरे सामने तेरे पैसों को कैसे चुराता हूँ। रुक जा, देख वहाँ, देख वहाँ। अरे क्या कर रहा है? रुको रुको। अरे भाई देवा, अब तेरा खेल खत्म। सर आइए सर, एकदम करेक्ट टाइम पर आए हैं सर। पहले आप इसे अरेस्ट कीजिए, इसी ने प्रिया को मारा है और मेरी गाड़ियां भी चुराई इसने। अरेस्ट कीजिए सर। देखिए ना सर, मैं तो सिर्फ इससे पूछ रहा था कि ये सब इसने क्यों किया। देखिए सर, इसने मेरी और मेरे आदमियों की क्या हालत कर दी। ए, कहाँ जा रहे हो? बाथरूम जा रहा हूँ साहब। एक पड़ेगी तो यहीं कर देगा। पांडियन, पहले मुझे अपने बारे में बताना था, फिर मुझे आखिरी दांव खेलना था, पर तुम तो काफी जल्दी में हो। तुम अपना पावर बेवकूफ लोगों पर दिखा सकते हो, पर अगर इंटेलिजेंट लोगों पर दिखाना है तो हजार बार सोच लेना चाहिए, वरना ऐसे ही फंसोगे। समझ गए ना? अभी तुम तो गए। अरेस्ट हिम। ए चल। ए, मैं तुझे छोड़ूंगा, चल, चल। देख लूंगा। अरे भाई कलिंग। जी सर। तुम्हें भी उसके साथ जाना है? नहीं सर, नहीं सर। क्या नहीं जाना है? नहीं सर, नहीं सर। तो आज से ईमानदारी से काम करना। जी सर, गलती हो गई। जाओ। थैंक यू सर। चलो गाड़ी में बैठो, चलो। देवा, तुम पर कोई केस साबित नहीं हुआ है, इसीलिए मेहनत और ईमानदारी का काम करो। अगर तुम अपनी जिंदगी शराफत से जियोगे तो मुझे तुम्हारे पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर, हमें भी एक शरीफ इंसान की जिंदगी जीनी है, पर कब और कैसे किस्मत इंसान को किस रास्ते पर ले जाए कोई नहीं जानता। ये सब कुछ तो ऊपर वाले के हाथ में है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। वो गाड़ी तुम्हारी है, तुम्हारे पापा बर्थडे पे गिफ्ट करना चाहते थे, अब से वो तुम्हारी है। थैंक यू, वेलकम। यस।